आज हम बताएंगे आपको प्रश्नावली एक का सी। ठीक है दोस्तों, यदि आपने प्रश्नावली एक का ए और बी नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली एक का सी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो भी संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल है हमारा, पहले का पहला है दोस्तों, देख लीजिए पहले का पहला बोला है एक बटे पाँच को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे। ठीक, एक रेखा खींच लीजिए, इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो एक रेखा बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इस संख्या रेखा पर एक मान दर्शा, जैसे जीरो ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ले लीजिए, यहाँ पे दो ले लीजिए, ऐसे आगे तक आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको बोला है एक बटे पाँच को दर्शाना है। ठीक, अगर एक बटा हम पाँच को देखें, ठीक है दोस्तों, एक बटा पाँच है, ठीक, अगर एक में हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, नहीं तो भाग दे के देख लीजिए, जैसे एक है, एक में किससे भाग देना है, पाँच से, यहाँ 0.2 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 5 × 2 = 10, ठीक है, पूरी कट जाएगी, तो कितना आएगा, 0.2 भाग देंगे, कितना आएगा, 0.2 आएगा, और ये जो 0.2 आया है ये 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, लेकिन एक बटा जो पाँच है वो क्या है, 0 से बड़ा है, और एक से क्या है, छोटा है। ठीक है, देखा जाए तो हमारा जो 0.2 आया है, एक बटा पाँच जो है वो इसका भाग देंगे तो 0.2 आएगा, अगर देखा है तो 0.2 जो है वो 2 0 से छोटा है, और एक से क्या है, एक से क्या है, छोटा है, 0.2 से 0 क्या है, ये बड़ा है, 0.2 0 से छोटा है, लेकिन क्या है, एक बटा पाँच से छोटा है, और एक से क्या है दोस्तों, बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी कि यहाँ पे 0.1 के बीच में इसको हम डिनोट कर देना, तो इसके बीच में हम कहीं भी इसको एक को मान लेकर डिनोट कर देते, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आपको करनी है। देख लीजिए इसका दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा बोला है -2/5। ठीक है दोस्तों, तो -2/5 है, पहले इसको निकाल लीजिए, जैसे ये -2/5 है, ये -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, -2/5, इधर जो भी संख्याएं जाती हैं वो सब क्या होती हैं, बड़ी होती है। ठीक, जो जितने माइनस में छोटा रहता है वो इतना ही क्या होता है, बड़ा होता है, जो अंक जितना ही माइनस में रहेगा, जितना ही बड़ा रहेगा वो इतना ही छोटा होता है। ठीक दोस्तों, और 0 से क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो पहले एक संख्या रेखा बनाइए, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ पर एक मान बनाते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस में, तो वहाँ 0 ले लेंगे, -1 -2 ऐसे आगे तक ले सकते हैं, लेकिन जो मान है हमारा, ठीक है, ये जो मान दिया गया है ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है, तो इन्हीं 2 के बीच में इसका मान रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक अंक ले लीजिए, तो मान लीजिए माइनस हमारा क्या, 2/5 यहीं पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं पहले का तीसरा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा नंबर है हमारा 3 = 2/7 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करनी है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए देखा जाए, जो जो 3 से क्या है, ये बड़ा है, 3 = 2/7 क्या है, 3 से बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींच लीजिए। संख्या रेखा खींचने के बाद आप देखिए कहाँ 3 और 4 के बीच मान रखना है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए 0, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए 0, यहाँ पर ले लीजिए 1, यहाँ ले लीजिए 2, यहाँ पर ले लीजिए 3, और यहाँ पर ले लीजिए क्या, 4। ठीक, एक संख्या डिनोट कर लीजिए, इतना करने के बाद इस जो मान को रखना है 3 और 4 के बीच में रखना है, इसके बीच में कड़ी बना लीजिए और यहीं पे कहीं रख दीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 = 2/7 कहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम पहले का चौथा देख लेते हैं।
पहले का चौथा है 8/3। 8/3 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखा जाए अगर हम इसमें भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, देख लीजिए अगर हम 8 में किससे भाग करें, 3 से, ठीक है दोस्तों। तो 3 दूनी 6 आएगा 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 सही 2/3, ठीक है। ये जो अंक आएगा 2 के बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। तो सबसे पहले देखा जाए ये जो है क्या होगा, अंक 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, 3 से छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो होगा 3 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको करना क्या है, एक संख्या रेखा खींच लेनी है, खींच लिए। खींचने के बाद क्या करना है, आपको अंक लिख देना, 1 लिख लीजिए, 0 1 2 3, 3 और 2 के बीच में लिखना है, तो 2 यहाँ है और 3 यहाँ, इसी के बीच में आपको कहीं एक जगह पे इसको डिनोट कर देना है। तो मान लीजिए हमको यहाँ लिखना है, तो 2 सही 2/3 क्या हो जाएगा, 3, यही आपका हो जाएगा संख्या रेखा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, शांत दशमलव के, शांत दशमलव का सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए। शांत दशमलव का रूल होता है कि जिसका भी गुणा, यानी जिसके भी गुणा खंडों में 2 और 5 आएगा वो मेरा शांत दशमलव होगा, अन्यथा मेरा क्या हो जाएगा, अशांत, अनावसानी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे पहला सवाल है इसका, दूसरे का पहला, 1/20, ठीक है, 1/20 में देखा जाए ये क्या है मेरा, शांत दशमलव है या नहीं। तो मैं देखा जाए जो 20 है, इसको हम मैं 20 को ले लेते हैं, 20 जो है 20 को ले लीजिए। अगर हम 20 का क्या करें दोस्तों, गुणनखंड करें, ठीक है, यदि हम 20 का गुणनखंड करें तो देखिए क्या होगा, हम 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5, ठीक है, 2 × 2 × 5। और हम यदि इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे तो 2 × 2 × क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है। अब आपको बताना है 20 गुणनखंड में अगर देखा जाए 2 और 5 है, ठीक है ना, 20 गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 है, अतः ये हम इसको क्या कर सकते हैं, ये शांत दशमलव के रूप में इसको हम निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। जिसके भी गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वो मेरा शांत दशमलव के रूप में उसको हम निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए, अतः गुणनखंड में 2 और 5 है, इसलिए इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको यही बताना है कि शांत है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी संख्याओं को। तो यही याद रखना है आपके, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा उसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है 1/27, ठीक है, 1/27, और इसमें से हमें गुणनखंड को लेंगे, मैं 27 को हम ले लेते हैं, ठीक है, 27 को अगर हम ले लें तो इसका गुणनखंड करें क्या आएगा, 3 × 3 × 3, इसमें 2 और 5 आया कहीं, नहीं ना, 27 गुणनखंड में नहीं है, ठीक है, 2 और 5 नहीं है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह शांत दशमलव नहीं है, ठीक है दोस्तों, शांत दशमलव नहीं है। आपको सिर्फ यही बतानी है कि कौन सी शांत है, जिसके गुणन में गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वो मेरा शांत दशमलव हो जाएगा, अन्यथा कोई भी शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, दूसरे का तीसरा देखिए दोस्तों, दूसरे का तीसरा नंबर है 3/5, ठीक, 3/5 हमारा क्या है, 3/7 है या नहीं है, ठीक है। तो आपको हम बताएं, जिसके गुणनखंड में 2, ठीक है, और 5 आए, या 5 आए, तो मेरा क्या हो जाएंगे, शांत दशमलव हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देख लीजिए 3/5 में हम किसको ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, तो अगर 5 गुणनखंड निकालेंगे क्या आएगा, 1/5, ठीक है, गुणनखंड में कितना है, 5 है, तो अतः ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है दोस्तों।
7 दशमलव, ठीक। अब दूसरे का चौथा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे के चौथा बोला 1/15, ठीक है, 1/15। तो 1/15 में देख लेते हैं, 1/15 में तो 15 क्या है, 15 को लिखा जाए 3 गुणते कितना आएगा, 5, ठीक। 3 गुणते कितना हो जाएगा, 5। अब 15 गुणनखंड में देखा जाए तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है दोस्तों, 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह क्या हो जाएगा, 7 दशमलव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित दशमलव को परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में बदलिए, ठीक है, हमको इसको पी अपान क्यू के रूप में बदलना है। पी अपान क्यू का मतलब होता है बटे के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप तीसरे सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए, तीसरा बोला है पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। तो पहले तीसरे का पहला सवाल है जो, उसको देख लेते हैं। तो 0.234 और तीनों पे क्या है दोस्तों, 12 है, ठीक। जब इस सिचुएशन में ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद देखें कितने संख्याओं पे 12 है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसे, मान लीजिए कितना, इसको 3 संख्याओं 12 है, ठीक। तो सबसे पहले इसको मान लीजिएगा, सवाल लिखने के बाद लिख दीजिए मान लीजिए क्या, यक्स बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.234 बार है उस पर, तो हम रिपीट कर सकते हैं 2-3-4 2-3-4 ऐसे डॉट हम इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो उसको समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसमें देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखा जाए इसमें कितने, 1-2-3 फिर 1-2-3, तीन अंकों की बार बार रिपीटिंग हो रही है, ठीक है। जितने अंकों की रिपीटिंग होगी उसी में से हम उतने शून्य से गुणा कर देंगे, यानी हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 1000 से, ठीक है। तो अतः इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिख दीजिए, जितनी इसमें कितनी रिपीटिंग हो रही है, तीन अंकों की रिपीटिंग बार बार हो रही है, तो अतः इसमें हम क्या लिख देंगे, 1000 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। अब आप दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर दीजिए, तो 1000 से इधर गुणा करेंगे, 1000 गुणते क्या हो जाएगा, यक्स, इधर गुणा करेंगे तो 1000 गुणते 0.234 2-3-4 2-3-4 2-3-4 डाट ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 1000 का यक्स में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 यक्स, ठीक है। इसमें देखिए कितना शून्य है, 3 शून्य, जब इसमें हम गुणा करेंगे अंक में, 3 ये जो दशमलव है, 3 अंक क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, ठीक है। तो 3 अंक खिसका कितना, 1-2-3, यानी 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 2-3-4 दशमलव 2-3-4 2-3-4 ऐसे डॉट ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसको पी अपान क्यू के रूप में लिखना है, ठीक, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या में हम तब लिख सकते हैं, पहले इसको समीकरण सेकेंड में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो लिखिए यहाँ पे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक, घटाने पर यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 बराबर समीकरण क्या, 2-3-4 2-3-4 2-3-4 डॉट यानी रिपीटिंग हो रही है। समीकरण फर्स्ट में क्या है, x बराबर 0, ठीक, 0.234 2-3-4 2-3-4 डॉट ऐसे लिख सकते हैं। इसको घटाने पर जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, 1000x में से 1x घटे कितना आ जाएगा, 999x बराबर, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे घटाएंगे, 234 में से 0 घटाएंगे तो 234 ही आएगा, ठीक, और इधर 234.44 सब इधर करते जाएंगे, ठीक है, 2-2 0-3 0-4 0 सब इधर अपनी आप पूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, करती जाएगी, जो दशमलव के पहले अंक रहेगा सिर्फ वही बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करनी, इतना लिखने के बाद हमें क्या बताना है, एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो यक्स का मान कैसे निकलेगा, यक्स बराबर निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, 2-3-4/999, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर पी अपान क्यू के रूप में क्या हो गया, यह आंसर हो गया, ठीक दोस्तों, समझ आया।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है, दशमलव 1, 2, 5, 4 पे 12, ठीक है। 5 और 4 पे क्या है दोस्तों, 12 है। तो सबसे पहले जब इस तरीके का सवाल आएगा तो आप इसको यक्स के बराबर पहले मान लीजिए, तो हम लिखेंगे माना, ठीक है दोस्तों, या मान लीजिए, जो भी कर लिखना है मान लीजिए, तो माना यक्स बराबर क्या, दशमलव 1, 2, ठीक है दोस्तों, दशमलव 1, 2, 5, 4 इसी भी बार है ना, तो 5, 4, 5, 4 ये हमारी क्या होती जाएगी, रिपीटिंग हो जाएगी। जिस संख्या पे दोस्त बार होता है वही संख्या हमारी क्या होती है, रिपीटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें 5, 4, 5, 4, 5, 4 क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, इतना करने के बाद आपको इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, अभी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, या तो फिर आगे एक दो लाइन हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले करिए, दोनों पक्षों में कितने संख्या में, दो संख्या पर रिपीटिंग है ना, तो हम 2 जीरो से गुणा करेंगे, 2 जीरो किस में होती है, 100 में। तो लिख लीजिए, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। अगर हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर, इधर 100 से गुणा करेंगे 100, ठीक है, गुणते जितना लिख लीजिए, 1, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4, ... ठीक है, गुणा कर दीजिए इसका, गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 100x बराबर, इधर 0.20 है, तो 2 और 10 जो है दो अंक के बाद क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, तो 1, 2, तो यहाँ क्या लग गया, 12 के बाद हमारा क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5, 4, 5, 4, 5, 4 समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, ... समीकरण मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें दशमलव को कहाँ तक ले जाना, क्यों यहाँ तक खिसकाते हैं, आप ये याद रखिएगा, दशमलव जहाँ जो संख्या रिपीटिंग रहेगी वहीं तक आपको दशमलव को ले जाना है, ठीक है। दशमलव हमारा रिपीट क्या कर रहा है, 5, 4, 5, 4, तो इसलिए 5, 4 के पास दशमलव को ले जाएंगे, ठीक है। जिस संख्या के पास संख्या हमारी दशमलव रिपीट करेगी उसी के पास हमें दशमलव को ले जाना है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, इतना आ गया, अब समीकरण सेकेंड निकालेंगे, तो पुनः लिखिए, पुनः 100 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक दोस्तों। तो पुनः हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 100 गुणते 100x, तो पहले से ही है, इधर भी लिखेंगे 100 गुणते 12.5454 ... ऐसे रिपीटिंग हो जाएगी। तो आप इसमें गुणा करेंगे, 100 का सम करेंगे तो कितना जाएगा, 10,000, ठीक है दोस्तों। 10,000x बराबर 2 जीरो ना, तो 2 अंक क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, तो 12.5454 ... ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब फर्स्ट और सेकंड समीकरण निकल जाएगा, आपको सेकंड में से फर्स्ट को हमेशा क्या करनी है दोस्तों, घटा देनी, ये याद रखनी है कि हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक दोस्तों। तो अब क्या करिए, इसको घटाइए, घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण सेकंड को लिख लीजिए, समीकरण सेकंड क्या है, 10,000x बराबर 1254.5454 ... है, फर्स्ट है 100 बराबर 12.5454 ... ठीक है। अब इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। घटा दीजिए, यहाँ यहाँ अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, यहाँ अगर हम 10,000 में से 100 निकाल दें तो कितना बचेगा, 9,900 बचेगा, ठीक है दोस्तों। बगल में क्या हो जाएगा, x बराबर, इसमें से 1200 अगर 54 में से 12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1242 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
और दशमलव पाँच चार इसमें रिपीटिंग है, पाँच चार इसमें, तो पाँच में से पाँच घटाएंगे जीरो, चार में चार घटाएंगे इसे, घटते 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 सब उधर क्या होता जाएगा दोस्तों, सब जीरो 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 हो जाएगा, तो उसको आपको लिखना नहीं है। अगर हम यहाँ पे यक्स बराबर निकालें तो 1242 बटे कितना आएगा, 9900। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करें, काट देते हैं, कट रहा है तो काट दीजिए, दो से काट दीजिए, दो से काटेंगे अगर हम इसको तो दो छ बारह, ठीक है, दो दूनी चार और दो एक का दो, ठीक है, इसको अगर दो से काटा जाएगा दो चौके आठ, एक बचेगा 19 हो जाएगा, दो नवा 18, एक बचेगा ये पाँच, दस हो जाएगा, दो पंचे 10 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब हम किससे काटेंगे, चलिए देखिए, 6 2 8 1 9 यानी तीन से कट जाएगा, जोड़ लिया करें, तीन संख्या तभी करती है जोड़ने को, उसका योग हमेशा तीन से क्या होती हो, विभाजित होती हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 6 2 8 1 9 यानी तीन से कट जाएगा, तो तीन दूनी छ लिख लीजिए इधर, तीन दूनी छ कितना बचा, कुछ नहीं, जीरो बढ़ेगा, और तीन सते 21। ठीक दोस्तों, देख लीजिए, तीन दूनी छः, दो तो कटेगा नहीं, जीरो बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा, तीन सते 21, इसको भी तीन से काट दीजिए, तो तीन से काटेंगे, तीन एक का तीन, एक बचेगा 19 हो जाएगा, तीन छः 18, एक बचेगा 15 हो जाएगा, तीन पचे 15, बगल में क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए फिर काट दीजिए इसको, अब देखिए किससे कटता है, अगर हम इसको काटें तो 7 2 9 अभी भी तीन से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, तो काट दीजिए तीन से, तो तीन छ 18, दो बचेगा और तीन नवा 27। ठीक है दोस्तों, तीन से काट दीजिए इसको, तो तीन पचे 15, एक बचेगा, तीन पचे 15 और बगल में क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो में बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसको हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम भाग करेंगे और उसको किस में लिखेंगे, दशमलव के रूप में, और हमें बताना है किस प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें बताना किस प्रकार का है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चौथे सवाल में, चौथे का पहला है दोस्तों, चौथे के पहले में बोला है कि 36/100। ठीक है, और हमें पूछा कि ये भिन्न जो है किस प्रकार का है, 36/100 को हमें बताना, ये जो भिन्न है मेरी किस प्रकार की है। तो चलिए भाग दे देते हैं, इसमें जो आएगा उससे समझ में आ जाएगा कि हमारा ये क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पे 36/100 क्या है, 100 है। ठीक है ना, जब 36/100 आपको दिखाई पड़ेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है 36/100 को। अब ध्यान दीजिए नीचे कितने जीरो हैं, दो, तो दो अंक पे क्या लगा, दशमलव, 6 लिखिए, 3 लिखिए, दशमलव लगा दीजिए दो अंक पे। ठीक है दोस्तों, यही मेरा 36 क्या हो जाएगा, दशमलव। जो संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या मेरी क्या हो गई, पूरी तरह से हो गई विभाजित, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 7 दशमलव। ठीक है, आपको यही बताना है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 दशमलव हो जाएगा। आगे देख लीजिए, जैसे बोला है दूसरा, चौथे का दूसरा देख लीजिए, चौथे के दूसरे में बोला 1/11। 1/11 कैसी दशमलव, मतलब कैसा दशमलव रूप में बनाना है, और दशमलव का प्रसार किस रूप का है, शांत है, अनावसानी है, क्या है, आपको यही बताना है, अनावसानी है कि शांत है, यही आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले भाग लेते हैं, 1/ कितना है, 10। अब हम इसमें ध्यान दीजिए, जो कट जाएगा वही शांत होगा, पूरी तरह जो कट जाएगी वही शांत होगा, अन्यथा कोई भी शांत नहीं होगा, इस बात को आप गौर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 में किससे भाग देंगे, 11 से। ठीक है दोस्तों, जब 11 से हम यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव के पहले हम 0 लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको ये सब तो पता होगा दोस्तों, आपने कक्षा 6-7 में से पहले ही पढ़ लिया इसको। तो यहाँ पर हम क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, अब भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए 11 9 99। ठीक, फिर 1 बचेगा, फिर वही प्रक्रिया होगी, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 11 9 99, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो फिर, यानी ये प्रोसेस हमारी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, यानी ये संख्या हमारी क्या होती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब ये बढ़ती जाएगी, यानी हम इसको क्या देख सकते हैं, लिख सकते हैं,
0.09 09 09 09, ये मेरी डॉट 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 ये क्या होती जा रही है दोस्तों, रिपीटिंग होती जा रही है, जिसको हम क्या लगते हैं इसका दशमलव जो प्रसार है वो अनवसानी पुराव पुनरावृत्ति की है, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं ये शान दशमलव था, ये जो है अनवसानी पुनरावृत्ति की है, ठीक है दोस्तों, अनवसानी पुनरावृत्ति पुनरावर्ती सॉरी वृत्ति नहीं वर्ती, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा वर्ती, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं चौथे का तीसरा, चौथे का तीसरा है क्या दोस्तों, देखिए चौथे का तीसरा, चौथे का तीसरा बोला चार सही एक बटे आठ, ठीक है, तो चार सही एक बटे आठ दिया, पहले इसको हम सही में दिया है, इसको भिन्न बनाएंगे पी अपान क्यू के रूप में बनाइए, भिन्न बनाइए तो आठ चौके बत्तीस और बत्तीस से तैंतीस, तो तैंतीस बटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों आठ लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है ध्यान दीजिए, इतना लिख लीजिए आप, तो सबसे पहले आप आठ से तैंतीस में भाग करिए, तो यहाँ लिखिए आठ और तैंतीस में हम इससे भाग करेंगे, तो आठ चौके बत्तीस, ठीक है, बत्तीस जाएगा यहाँ एक बचेगा, जीरो बढ़ेगा फिर आठ एक का आठ आएगा, क्या हो जाएगा दो बचेगा जीरो बढ़ेगा आठ दूनी सोलह हो जाएगा, चार बचेगा जीरो बढ़ेगा तो आठ पंचे चालीस, ये संख्या देखिए पूरी तरह से क्या हो गई दोस्तों विभाजित हो गई, कट गई ना, जब पूरी तरह से कट गई तो अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों शांत, तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं चार सही एक बटा आठ बराबर चार एक दो पाँच, ये पूरी तरह से कट गई है तो अर्थात यह क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा शांत है, ठीक है दोस्तों शांत है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है चौथे का चौथा, चौथे के चौथे में बोला है दोस्तों तीन बटे तेरह, ठीक है, तीन बटे तेरह को आपको बतानी है कि ये कैसा इसका प्रसार है, ठीक है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो सबसे पहले आप तीन में तेरह से भाग करिए, भाग करने के बाद समझ में आ जाएगा दोस्तों तीन का तेरह का भाग तीन में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, तो तेरह दूना छब्बीस, ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना बचेगा चार, फिर जीरो बढ़ेगा तो तेरह तीन यहाँ उनतालीस, ठीक है, एक बचेगा जीरो बढ़ेगा, भाग अब नहीं जाएगी दस में, तो फिर यहाँ पे जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, अब देखिए सौ हो गया तो तेरह सत्ते इक्यानवे, ठीक है दोस्तों तेरह सत्ते इक्यानवे, अब यहाँ पे कितनी बच रही दोस्त देख लीजिए, अब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा नौ, अब भी जीरो बढ़ेगा, ठीक है, फिर जाएंगे तेरह छः अठहत्तर, ठीक, घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों बारह, फिर जीरो बढ़ेगा तो फिर जाइए यहाँ पे तेरह नौइया एक सौ सत्रह, यहाँ कितना बच जाएगा तीन, तो फिर संख्या क्या हो जा रही है दोस्तों रिपीट हो जा रही है, फिर वही रावनी रिपीटिंग हो जा रही है, देखिए शुरू में तीन था ना यहाँ भी फिर क्या आ गया तीन, तो फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर वही प्रोसेस होगा, यानी ये जो संख्या होगी इसकी क्या होगी रिपीटिंग होती रहेगी, अनवसानी पुनरावृत्ति होगी यानी दोस्तों पुनरावर्ती होगी इसका, ठीक है, तो तेरह बटा तीन को हम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो दशमलव दो तीन जीरो सात छः नौ पे क्या लग जाएगा बार, क्योंकि यह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों रिपीट करेगी, जब रिपीट करेगी तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार जो है क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या दोस्तों अनवसानी पुनरावर्ती है, ठीक है दोस्तों समझे, तो चलिए इसका अगला सवाल देख लेते हैं चौथे का पांचवा, देखिए दोस्तों चौथे का पांचवा सवाल है,
दो बटे ग्यारह, ठीक है। दो बटे कितना दिया है, ग्यारह दिया है। तो सबसे पहले हम दो में किससे भाग करेंगे, ग्यारह से, ठीक है। तो ग्यारह से अगर इसे भाग करेंगे, दशमलव लगेगा यहाँ पे, जीरो बढ़ जाएगा, तो ग्यारह दूना बाईस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएंगे, तो ग्यारह एक का ग्यारह, ठीक है। ग्यारह एक का ग्यारह होगा, तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, नौ बचेगा, ठीक है। अब जीरो बढ़ेगा, तो ग्यारह अट्ठे अट्ठासी, अब कितना बचा यहाँ पे, दो, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो ग्यारह एक का ग्यारह, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे एक है, बार बढ़ती जा रही है, अब घटाएंगे तो नौ आएगा, फिर जीरो, फिर ग्यारह अट्ठे अट्ठासी, यानी ये इस प्रक्रिया से बार बार बढ़ता जाए, ग्यारह अट्ठे अट्ठासी, क्या आ गया, दो, शुरू में दो था, फिर दो आ गया, यानी ये बार बार क्या हो जाएगी दोस्तों, रिपीट करती रहेगी। यानी दो बटे ग्यारह बराबर लिख सकते हैं जीरो दशमलव एक आठ पे क्या, बार, ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीटिंग करेगी। तो जब रिपीटिंग करेगी तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा, अनवसानी पुनरावर्ती होगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी, ठीक है, पुनरावर्ती है, ठीक है दोस्तों। इसका ये शान दशमलव नहीं होगा, अनवसानी पुनरावर्ती होगा, जिसकी बार बार रिपीटिंग करेगी वो अनवसानी पुनरावर्ती हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे अब देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, इसी का लास्ट सवाल, चौथे का छठवां देख लीजिए दोस्तों, चौथे का छठवां, ठीक है। तो चौथे के छठवें में बोला है कि 329 बटे 400, ठीक है। अब इसका हम भाग करके देखेंगे कैसा ये है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 329 को लिख लीजिए और 400 से इसमें क्या करिए, भाग करिए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएंगे, 832, आठ बार चलते हैं, तो 8 × 32, तो 3200 हो जाएगा, घटाएंगे जीरो, 9 इधर तो कट जाएगा, 9 हो जाएगा, अब यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर दो बार जाएंगे तो 2 × 8 आ जाएगा, 100 बचेगा, ठीक है। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 4 × 8 आएगा, ठीक है, 800 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा, 200, ठीक है। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 5 × 5 = 20, ठीक है दोस्तों। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब पूरी संख्या कट जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 7 दशमलव, ठीक है दोस्तों। वो कैसी संख्या हो जाती है, 7 दशमलव हो जाती है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे 329 बटे 400 बराबर कितना आया, 0.8225। तो 8225 वो कैसा हो जाएगा, 7 दशमलव, ठीक है, 7 दशमलव प्रसार है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ है, यदि इसका भाग है, यदि हाँ तो कैसे है, ये आपको यही बतानी है। तो चलिए सिंपल सा फंडा है, देख लेते हैं। पहले 1/7 बराबर जो दिया उसको लिख लीजिए, 0.142857, इसके ऊपर क्या दिया है, बार दिया है, ठीक है। यानी 1/7 के ऊपर बार दिया है, और हमसे किसका मान पूछा है, बिना प्रसार के भाग दिए हुए बताना है। तो 2/7 का बताना है, 3/7 का बताना है, 4/7 का बताना है, 5/7 का बताना है, और 6/7 का बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका भाग प्रसार बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी होगी, ये ध्यान दीजिए, 1/7 का मान दिया है, ठीक है। अब हम 2/7 का पहले निकालते हैं, इसका निकालते हैं, 2/7 का निकालेंगे। 2/7 का निकालने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, 2/7 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 में 7 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है दोस्तों। भाग करने के लिए क्या होगा, आप इसमें दशमलव लगाए, भाग तो जाएगा नहीं, जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो भाग करेंगे कितना आएगा, 2 बार जाएगा,
सात दूनी 14, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 6, फिर 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 8 56, ठीक, 4 बचेगा फिर 0 बढ़ेगा तो 7 5 35, ठीक है दोस्तों। अब कितना बचेगा यहाँ पे 5 बढ़ेगा फिर 0 बढ़ेगा तो 7 7 49, 1 आ गया और 1/7 का मान यहाँ दिया है, ठीक है। तो हमें दशमलव के बाद कितने अंक दिखे, कितने बार लगा 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव के बाद हमें सिर्फ 6 अंक पे बार लगा देना, उससे ज़्यादा अंक को नहीं लिखना है। तो 2/7 को लिख लीजिए पहले, कितना यहाँ इसको देखिए तो कितना आया 0.2857, ठीक है। अब यहाँ एक आ गया ना, अगर हम 7 से 1 में भाग देंगे, देखो यहाँ पे 7 से अगर हम 1 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे किसकी रिपीटिंग हो रही है 1 4 2 8 5 7 की, हम 7 से अगर फिर 1 में भाग देना स्टार्ट करेंगे तो इसी की रिपीटिंग होगी। तो आपको इसको रिपीट भाग देने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए। तो 0.2857 के बाद अब क्या है 1 4, हमें सिर्फ क्या लिखना है 6 अंकों तक जाना है, उससे ज़्यादा नहीं अंक जाना है। तो देखिए 6 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना, तो इसी के ऊपर बार लगा दीजिए, उसके आगे अंक को नहीं लिखना है। अब ध्यान दीजिए ये 2/7 का हो गया, अब अगला बताना है 3/7 का, तो 3/7 का कैसे निकाल लेंगे ये ध्यान दीजिए। 3/7 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 7 से भाग करिए, ठीक है, 3 में किससे भाग करिए 7 से, तो जब 7 से आप भाग करेंगे तो दशमलव लगेगा यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक है, तो 7 4 28 2 बच जाएगा। अभी हमने 2 का भाग दिया है, ठीक है, यहाँ 2 बच गया ना, 7 से फिर 2 में भाग तो देंगे नहीं अब, क्योंकि 0 बढ़ाएंगे तो फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा यहाँ से। तो यानी आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद इस संख्या को रिपीट कर देनी है। तो क्या करनी है, 0.4 लिखने के बाद इस संख्या को रिपीट करनी है, वो भी सिर्फ 6 अंकों तक, ठीक है। तो 2 8 5 7 1 2 3 4 5, अभी एक अंक और लिख लीजिए 6 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे आपको क्या करनी है, 4/7 का निकालना है, 4/7 का भी ऐसे निकाल लीजिए, 4 में किससे भाग देनी है 7 से, तो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा 7 5 35 आएगा 5 बचेगा, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 7 49, 1 आ जाएगा, 1 का मान यहाँ पहले देखिए दिया है, 1 वाला मान निकला है, 1/7 का मान निकला है, अगर 7 से हम 1 में भाग देंगे तो वही आएगा। तो अब चलिए देखिए क्या होगा, 7 से आप भाग करिए, जब 7 से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही सेम आ जाएगा ना, पहले इतना लिख लीजिए 0.57 लिखने के बाद 1 वाला मान को लिख लीजिए, 1 वाले में क्या है 1 4 2 8, सिर्फ 6 अंक की लिखना है, तो 2 4 8 6 हो गया ना। अब कितना बचा 5/7, तो 5/7 को भी निकाल लीजिए दोस्तों इसी तरीके से। 5/7 को कैसे निकालेंगे, देखिए हम 5 में 7 से भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 7 7 49, 1 आ गया, 1 वाला प्रोसेस दिया है। तो अब 0.7 लिखने के बाद 1 वाला मान लिख लीजिए, 1 4 2 8 5, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना, इसी के ऊपर क्या लगा दीजिए बार, सिर्फ 6 अंक लगाना है दोस्तों, 6 के ऊपर बार लगा देनी है, ठीक है। अब इसका हमारा लास्ट हो गया 6/7, 6/7 का हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हम 6 में 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, ठीक, 7 से भाग करेंगे ना, यही ना करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 4, और 4 वाला भी आपको देखिए हम 4 वाला भाग करके दिखाए थे यहाँ पे, ठीक है ना, 4 वाला यहाँ पे है ना, तो उसी को लिख लीजिए पहले, 2 अंक लिख लीजिए 0.8, अब 4 वाला कहाँ यहाँ पे, तो 5 7 1 4 2 2 4 6, 6 अंक हो गया, बार लगा दीजिए, ठीक दोस्तों। समझ आया कैसे करना था, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है पूर्णांक हैं, तथा Q≠ क्या है 0, यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो छठवें का पहला सवाल में देखिए उसको P/Q के रूप में बतानी है, इसके पहले हम सवाल में आपको बता चुके हैं P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तीसरे सवाल में आपको सेम बताया गया, वही प्रोसेस इसमें भी करनी है आपको। तो चलिए हम सबसे पहले हल करते हैं, हल करने के बाद बताते हैं कैसे करते हैं कैसे नहीं करना है आपको। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और अगर यदि आप कापी पेन लेकर नहीं बैठे तो कापी पेन लेकर बैठ जाए और इसको लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए छठवें का पहला देखते हैं, छठवें के पहले सवाल में बोला है
6 पे 12, इसको हमें पी अपान क्यू के रूप में लिखना है। तो आपको हम बताएं ना, सबसे पहले जब ऐसा सवाल आए तो आप पहले मान लिया करिए, ठीक है। मान लीजिए, माना क्या, मान लीजिए कि मान लीजिए एक्स बराबर क्या 0.666666 से डॉट डॉट, क्योंकि 6 की रिपीटिंग हो रही है। जिस संख्या के ऊपर 12 लगता है उस संख्या की क्या होती है, रिपीटिंग होती है। जिस संख्या की रिपीटिंग होगी उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, 12 लगा देंगे, ठीक है। और इसी को हम समीकरण क्या मान लेंगे दोस्त, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों में कितने अंक के ऊपर 12 लगा था, एक अंक पे, एक जीरो से गुणा करें, एक जीरो किस में होगा 10 से, ढाई में। तो हम लिख दीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुणते एक्स, इधर 10 से गुणा करेंगे 10 गुणते 0.666666 ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 10x बराबर निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितने हैं 0, 1 है, तो एक अंक क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों, 6666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। जब इस तरीके का सवाल हो जाए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकल जाए, तो आपको सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करनी है दोस्त, घटा देनी है। तो सबसे पहले आप लिखिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को, में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। तो घटा दीजिए, तो सेकेंड क्या है 10x बराबर 6.666666 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या हो जाएगा x बराबर 0.666666, तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 10 में 10x में से x घटे कितना चलेगा 9x, यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे 6 बचेगा, और इधर सब क्या होता चला जाएगा 0, 6 में 6, 6 में 6, 6 में सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 6 बटे कितना आएगा दोस्त 9, तो 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, तो x का मान निकलेगा 2/3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा पी अपान क्यू के रूप में आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.6/12 बराबर, ठीक दोस्तों, 0.6/12 बराबर क्या लिख सकते हैं 2/3, ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवें का दूसरा, इसका दूसरा नंबर सवाल है, छठवें का दूसरा है 0.47 और 7 के ऊपर क्या दिया है 12, यानी 7 की जो हो रही है वो रिपीटिंग हो रही है, 7 कितने की रिपीटिंग हो रही है दोस्तों 7 की। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, मान लीजिए क्या, हमेशा मानना है दोस्तों आपको, मान लीजिए क्या एक्स बराबर 0.47777 ये 7 की रिपीटिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 7 की क्या हो जाएगी, रिपीटिंग हो जाएगी। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले इस दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, हमें दशमलव क्या करना है, ले जाना है 4 के बाद, यानी हम किसी भी दशमलव को हम हमेशा किसी अंक के बाद ले जाएंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर दोनों पक्षों हम किससे गुणा करेंगे 10 से, यदि हम यहाँ इधर 10 गुणते यक्स हो जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा 10 गुणते 0.47777 से डॉट 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 गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या निकलेगा 10x, इधर करेंगे दशमलव एक अंक क्या हो जाएगा खिसक जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा 7777, ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट निकल गया, समीकरण किसको निकाल लेंगे, सेकेंड को निकाल लेंगे। तो समीकरण आप पुनः लिख दीजिए, पुनः 10 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो पुनः दोनों पक्षों में फिर से गुणा करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 गुणते 10x तो पहले से ही है बराबर 10 गुणते 4.77777 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, गुणा करेंगे 10^100x बराबर एक अंक और खिसक जाएगा, तो 4.77777 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या किया करें, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को क्या किया करिए, घटा दीजिए, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
घटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 100x बराबर लिख सकते हैं 47.77777 डॉट डॉट, उधर क्या था 10x बराबर 4.77777। तो इस तरह जब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। घटाएंगे अगर 100 में से, तो यहाँ के 10 घटेगा तो कितना बचेगा 90x बराबर 47 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 43। ठीक दोस्तों, और इधर सब क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, सब इधर क्या हो जाएंगे शून्य से होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर x बराबर निकालेंगे यहाँ कितना निकलेगा 43/90। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना निकला 43/90, यानी हमारा जो 0.47 के ऊपर बार का मान निकलेगा 43/90, पी अपान क्यू के रूप में 90 निकलेगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है छठवें का तीसरा। ठीक है दोस्तों, छठवें का तीसरा को हल करते हैं। छठवें का तीसरा है 0.0001। ठीक है, तीनों पे क्या लगा है दोस्तों, बार लगा है। ठीक, जब ऐसा सवाल कभी भी आपको आए तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए, 0.001 आएगा, छठवां का तीसरा है 0.001, इसके ऊपर क्या लगा रहेगा, तीनों पे बार दिया। ठीक है, जब इस तरीके से कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले आप मान लिया करें। ठीक है, जैसे इसके पहले सवाल करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए मान लीजिए। ठीक दोस्तों, मान लीजिए क्या, x बराबर 0.01001001, इस संख्या की क्या हो रही, बार बार रिपीटिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण इसमें को क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब दोनों पक्षों में कितने की रिपीटिंग हो रही, तीन की, यानी तीन शून्य लगना चाहिए, तीन शून्य से गुणा होगा तो तीन शून्य किस में होगा, हजार में। तो लिखिए दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 गुणते x बराबर 1000 गुणते 0.0001001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1000x आ जाएगा बराबर। ठीक है, तीन अंक खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 दशमलव लग जाएगा, 0.0001001 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड में से हमेशा फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, अब घटाइए, आप जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1000x बराबर 1.0001001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0.0001001001 डॉट डॉट डॉट, घटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा दोस्तों, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 1000 में से x घटे कितना बचेगा, 999x। ठीक है, और बराबर में कितना बचेगा, यहाँ 1 में 0 गया 1 आएगा और इधर सब 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम यहाँ x बराबर निकालेंगे तो कितना, 1/999 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/999, किसका मान पूछा था, 0.001 पे बार का, तो इसका मान निकल जाएगा 1/999, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात है 0.99999 पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, हैं अपने वो अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चर्चा करते हैं, हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए बोला है तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए, सबसे पहले इस तरीके का जब भी सवाल आए तो हम मान लेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए क्या, x बराबर 0.0
9999 ... ऐसे बढ़ता चला गया, यानी इसमें 9 की क्या हो रही, रिपीटिंग हो रही। कितने संख्या की रिपीटिंग हो रही, एक संख्या की रिपीटिंग हो रही। तो जब भी गुणा होगा तो कितने अंक से जीरो से गुणा होगा, एक गुणे जीरो से गुणा होगा। तो एक जीरो किस में आता है दोस्तों, 10 से आएगा, 10 में आएगा। तो दोनों पक्षों में लिख दीजिए, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक दोस्तों, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 10 गुणते 0.99999... तो 10x बराबर क्या निकलेगा, 0.1 अंक क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो इधर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 9.0 क्या हो जाएगा, 9999... समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने फर्स्ट नहीं माना था क्या, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करने पर, घटाने पर, लिख दीजिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, 10x बराबर 9999... यहाँ x बराबर 0.99999... ठीक है, घटा दीजिए, माइनस हो जाएगा, 10 में से x में से x घटे कितना बचेगा, 9x, और इधर घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, ठीक है, 9 में 0 गया, 9 ही आएगा, और इधर सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। x बराबर निकालेंगे तो 9 बटे कि 9 कहाँ चला जाएगा, बटे 9 एक का 9, तो x बराबर कितना निकलेगा, 1, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो मान निकलेगा यही क्या हो जाएगा, x का 1, एक आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके हमें उत्तर की जांच करने के लिए क्या करनी होगी, विभाजन क्रिया करनी होगी, यानी भाग देनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आठवें सवाल को हम हल करते हैं, यानी 1/17 दिया है, ठीक है, तो 1/17 को लिख लीजिए। अब इसमें हमें क्या करनी है, भाग करनी है, 1/17 में, एक में क्या करनी है, 17 से भाग करनी है, और कितने अंकों के बाद उसके उत्तर की मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की बतानी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, सीधा सिंपल सा सवाल है, आप क्या लिखेंगे, 1/17 से आप भाग करिए, ठीक है, भाग करिए, हाँ यदि हम भाग करेंगे तो यहाँ 17 में एक भाग एक में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है, अब भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाइए, यहाँ भी क्या बढ़ा दीजिए दोस्तों, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब चलिए 17 × 5 = 85, ठीक, घटा दीजिए, 100 में से 85 घटाएंगे कितना बचेगा, 15, ठीक है, अब फिर 0 बढ़ाएंगे, अब 17 का भाड़ा पड़े 150 से ज़्यादा ना हो, तो 17 × 8, ठीक है, 17 × 8 = 136, घटाएंगे कितना बचेगा, 14, ठीक है दोस्तों, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएंगे, फिर 8 बार जाएंगे, 17 × 8 = 136, ठीक है, अब 4 बचेगा, 4 में 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 2 = 34 हो जाएगा, 34 लिख दीजिए, यहाँ कितना चाहिएगा, 6, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 3 = 51, ठीक है दोस्तों, 51 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखिए 17 × 3 = 51 हो गया, अब करेंगे 60 × 51 कितना बचेगा, 9, ठीक है दोस्तों, 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा यहाँ पे, फिर कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे देखते रहिए, अब कितनी बार जाएंगे, 50 हो गया, ठीक है, और 17 × 2 = 34, 16 बचेगा, ठीक है दोस्तों, 17 × 2 = 34, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, अब फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, अब कितनी बार जाएंगे, 9 बार चलते हैं, तो कितना, 17 × 9 = 153 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 7, ठीक, यदि 7 बचेगा तब क्या करना होगा आपको, अब कितनी बार जाएंगे, देखिए 0 बढ़ाएंगे, ठीक, 17 × 64 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 17 × 68 कितना बचा, 2, ठीक,
अब यहाँ से हल करते हैं, दो दो बचा, जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। फिर पढ़ा पढ़िए, सत्रह इक्का सत्रह हो जाएगा, घटा दीजिए कितना बचेगा, तीन बचेगा, हैं तीन बचेगा ना, फिर एक बार जीरो बढ़ाएंगे तो सत्रह इक्का सत्रह हो जाएगा, कितना बचेगा, तेरह, जीरो बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएंगे, सात बार चलते हैं, तो सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस, ठीक है दोस्तों, घटाएंगे तो कितना बचेगा, ग्यारह, जीरो बढ़ेंगे तो सत्रह, अब छः बार चलते हैं तो सत्रह छक्का, सत्रह छक्का, देखिए दोस्तों एक सौ दो हो जाएगा, ठीक है। तो घटाएंगे कितना बचेगा, आठ बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो सत्रह चौका, सत्रह चौका अगर हम देंगे यहाँ पे तो सत्रह चौका अड़सठ, कितना बचेगा, बारह, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो सत्रह नौइया, सॉरी सत्रह सत्ते, सत्रह सत्ते कितना हो जाएगा, एक सौ उन्नीस, ठीक है, कितना बचेगा, एक। देखिए शुरू में फिर यहाँ से एक से स्टार्ट हुआ था पहाड़ा, फिर यहाँ पे कितना हो गया, एक आ गया, अब फिर भाग देंगे तो फिर प्रोसेस वही चालू हो जाएगी, यानी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, रिपीटिंग होती चली जाएगी, तो डॉट 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 ऐसे क्या होती जाएगी, रिपीटिंग होती चली जाएगी। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, एक बटा सत्रह बराबर, एक बटे सत्रह बराबर जीरो दशमलव जीरो पाँच आठ आठ दो तीन पाँच दो नौ चार एक एक सात छः चार सात डॉट डॉट डॉट। अब फिर रिपीटिंग होगी, जब रिपीटिंग होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, जीरो दशमलव जीरो पाँच आठ आठ दो तीन पाँच दो नौ चार एक एक सात छः चार सात, इसी की रिपीटिंग हो रही ना, इसी संख्या की, तो इसी संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो अतः इसमें अधिकतम संख्या देख लीजिए, अधिकतम संख्या पूछा था आपसे, तो लिखिए अधिकतम संख्या कितनी की रिपीट हो रही है, ये बताना है आपको, तो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो आपका क्या हो जाएगा, सोलह आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझा। चलिए आगे देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर नौ। पी अपान क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए, यानी कौन सा गुण इसको अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको P अपान Q के रूप में बोला है लिखने के लिए, तो चलिए नौवां हम सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। तो P अपान जो Q है वो Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो Q है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो इसकी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं क्रमशः क्या होंगी, जो पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा शांत दशमलव के रूप में होना चाहिए, तो शांत दशमलव के रूप में किसको ले सकते हैं, जैसे हम एक बटा क्या लिखते हैं, जीरो नहीं होना चाहिए पी अपान क्यू में, तो हम लिख सकते हैं के रूप की, इसके के रूप की परिमेय संख्या, इसके रूप की परिमेय संख्याएं लिख देते हैं, जैसे अपने से लिख लीजिए, अपने से कुछ भी संख्या लिख लीजिए, लेकिन जिसका गुणन जीरो के बराबर ना हो, जैसे एक बटा दो ले लेंगे, भाग देंगे शांत में आएगा, एक बटे पाँच दे देंगे तो ये भी भाग देंगे शांत में आएगा, सात बटे सोलह लेते हैं भाग दीजिए ये भी शांत में आएगा, ग्यारह बटे हम पच्चीस ले लेते हैं भाग देंगे ये भी शांत दशमलव में आएगा, डॉट 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 ऐसे आप इत्यादि अनंत तक ले सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में निरूपित, शांत यानी शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। तो अतः हम क्या करते हैं, प्रत्येक इसमें हम क्या, क्यू का गुणनखंड केवल दो पाँच की घात होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें जो भी हो निरूपित तभी कर सकते हैं जब क्या होगी, केवल इसके दो और पाँच की घात होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका लिख सकते हैं पी अपान क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो को शांत दशमलव, को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक जो Q होगा, ठीक है, प्रत्येक Q का गुणनखंड क्या होना चाहिए, गुणनखंड केवल दो या दो हो या क्या हो, पाँच होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, पाँच होना चाहिए।
ठीक है, जिसका क्यू का मान अगर 2 या 5 गुणनखंड में रहेगा वो समझ लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 दशमलव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दस है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, ऐसी आपको 3 संख्याएं लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनावसानी अनावर्ती हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी अभिपरी संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव प्रसार की अनावसानी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम अतः इससे ले सकते हैं, मान लीजिए हमारा कर्णी के अंदर क्या हो गया, 2, कर्णी के अंदर 3, कर्णी के अंदर 5, डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या हैं, दशमलव प्रसार अनावसानी और आरती हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, दशमलव प्रसार क्या लिख सकते हैं, अनावसानी आवर्ती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद ऐसी 3 संख्याएं लिखिए दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं जो क्या हो, अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो ऐसी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या सीधे दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम सीधे दशमलव प्रसार में लिखना है, तो लिख दीजिए ऐसी संख्या को दशमलव प्रसार में लिखने पर। ठीक है, दशमलव प्रसार में लिखने पर। ठीक है, तो अपने से एक संख्या लिखिए ऐसा कि जो अनावसानी हो, ठीक है, वो रिपीटिंग ना हो। आपको सिर्फ इसमें क्या करनी है, ऐसी संख्या को लिखनी है जो रिपीटिंग हो ही ना, तो अपने से कोई भी संख्या लिखे रिपीट ना करे। जैसे हम 1 ले लेते हैं, क्या 0.04, फिर 0.04 ले लीजिए, फिर 0.04 ले लीजिए, ठीक है, फिर 0.004 लीजिए, डॉट डॉट डॉट, रिपीट हुई इसमें नहीं हुई ना, एक संख्या लीजिए जो रिपीटिंग ना हो। यहाँ ले लीजिए आप 0.50 ले लीजिए, ठीक है, 500 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, फिर 500 ले लीजिए, फिर 500005 ले लीजिए, डॉट डॉट, ऐसी संख्या आप लीजिए जो रिपीटिंग हो ही ना। ठीक है दोस्तों, जैसे अगला कोई संख्या ले लीजिए आप, जैसे 0.007 ले लेते हैं, फिर 0.007 ले लेते हैं, फिर 0.0007 ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, तो ये सब संख्याएं कैसे हो जाएंगी दोस्तों, अनावसानी अनावर्ती हो जाएंगी। ठीक है, अनावर्ती हो जाएंगी। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती, तो लिख दीजिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, अनावसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए अनावर्ती अनावर्ती हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5/7 और 9/11 के बीच हमें क्या करनी है, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो लिख लीजिए 5/7 और 9/11। ठीक, इसी के बीच में हमें अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5/7 है, इसको हम दशमलव रूप में बदलेंगे, तो दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, 5 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो 7 × 7 = 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा, तो 7 × 1 = 7, फिर 3 आएगा, ठीक है दोस्तों, फिर 0 बढ़ेगा, तो 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 7 × 2 = 14, 6 बचेगा, 0 बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 7 × 8 = 56, ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 बचेगा, 0 बढ़ेगा, तो 7 × 5 = 35, ठीक, यहाँ 5 बचेगा, यानी फिर से संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ था, फिर 5 आ गया, यानी अब संख्या क्या होगी, यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो रिपीट होना स्टार्ट होगी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 = 0.714285 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब आगे हल करते हैं, 9/11 है, अब इसको हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, फिर तो हम 9 में क्या करेंगे,
11 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए भाग करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम 11 से 9 में भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगा, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, कितना बचेगा, दो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो 11 इक्का 11, 9 बचेगा, फिर जीरो, यानी अब संख्या क्या होगी, 9 आ गया, 9 से स्टार्ट हुआ, फिर 9 आ गया, यानी अब संख्या रिपीटिंग हो रही है। जब रिपीट होगी तो हम 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, इसके ऊपर 12, यानी 9 बटे 11 बराबर 0.81 का क्या निकलेगा, 12 निकलेगा। और हमें किसके बीच में बतानी थी, 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अपरिमेय संख्याएं बतानी थी। तो 5/7 का मान कितना निकला है, देखिए दोस्तों 5/7 का, तो 5/7 का मान निकला है 0.714285 और 9/11 का मान निकला है 0.81। इसी के बीच में हमें क्या बतानी है, तीन अपरिमेय संख्याएं बतानी है। अपरिमेय संख्याओं का मतलब इसमें जो होता है वो नॉन रिपीटिंग हो, यानी रिपीट ना करती हो। ठीक है, आसान दशमलव के रूप में होनी चाहिए, अनावसानी के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी संख्या लिखे जो इसके बीच में रिपीटिंग ना हो। यहाँ देखा है 2 71 है और इसके बीच में कितना है, यहाँ 81। तो 71 और 81 के बीच में हम कोई भी तीन प्रकार की तीन संख्याएं लेनी है। ठीक है, बीच तीन अपरिमेय संख्या बतानी है ना, तो लिख लीजिए तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो पहला संख्या इसे हम अपने से ले लेते हैं, 71 के बाद क्या आएगा, 72 लीजिए, इसे 72 ले लेते हैं, कुछ 73 74 75 कुछ भी ले लीजिए, इसे हम 75 लेते हैं, 0.75, फिर लिखते हैं 0.75, फिर 0.075, फिर 0.0075, डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक संख्या ले लेते हैं। अगला संख्या ले लीजिए 0.76, 0.76, 0.076, 0.0076, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला संख्या ले लीजिए दोस्तों, जैसे अगला संख्या हो गया आपका 0.80, ठीक, फिर 0.80, 0.0008, 0.00, डॉट डॉट डॉट, ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएगी। तो यही तीन मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो 12 का पहला देखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी है, जिसे रूट में कोई कर्णी के अंदर, रूट में कितना दिया 23, जैसे कर्णी के अंदर 23, तो कर्णी के अंदर 23 क्या हो जाएगी मेरी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे देख लेते हैं 12 का दूसरा, कर्णी के अंदर 225, तो कर्णी के अंदर 225 क्या कैसी संख्या दोस्तों, देखिए अगर इसको हम कर्णी से बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, 15 कई संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो मेरी परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 15 के नीचे हम कुछ एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। किसी भी संख्या के नीचे अगर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब 12 नंबर का तीसरा देख लेते हैं, तीसरा दिया है 0.0379 6। ठीक, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, जिसे हम अगर हम दशमलव जिसमें रिपीटिंग नहीं हो, बार बार रिपीटिंग ना हो, नॉन चेंजिंग हो, जो संख्या रिपीटिंग हो या ऐसे शांत दशमलव के रूप में होती है, वो मेरा क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 0.3796, अगर इसको हम बटे में बनाना चाहें, अगर दशमलव यहाँ से हटा दें तो इसको हम 3796 इतना लिख सकते हैं, 10,000। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो यानी ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 12 का चौथा नंबर, तो 12 का चौथा नंबर है दोस्तों 7.478478 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसमें संख्या क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, 4 7 8 4 7 8
फिर आगे डॉट डॉट यानी 478 478 478 की रिपीटिंग देख रही है। तो जब ये आवर्ती लेकिन पुनरावृत्ति में होती है, कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति में होती है, आवर्त में होती है, बढ़ती हुई रहती है, तो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक दोस्तों, परिमेय संख्या, कोई भी संख्या का रिपीटिंग रहेगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। नॉन रिपीटिंग जो होगी वो मेरी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हम 12 का पांचवा देख लेते हैं। 12 का पांचवा नंबर सवाल है 1.10001001, फिर 0001001 डॉट डॉट, सॉरी डॉट डॉट नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, देखिए नॉन रिपीटिंग है ना, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो लिख लीजिए यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, एक और दो के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए, एक और दो के बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है ना, तो एक और किसके बीच में, एक और दो के बीच। ठीक है, एक और दो के बीच में एक अपरिमेय संख्या बतानी है। मान लीजिए ए और दो कोई क्या हो, वास्तविक संख्या हो। ठीक है, इनके बीच क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए क्या माना, ए और बी, ठीक, कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, तब इनके बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है। इनके बीच में क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या, यानी ए और बीच, ए और बी के बीच की वाले के बीच अपरिमेय संख्या बोलें तो अपरिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यदि हम एक और दो के बीच बोलें तो एक और दो के बीच अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान एक, बी का मान दो, तो निकालेंगे दो एक का दो, रूट में कितना आ जाएगा, दो। ठीक है दोस्तों, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारा, 1/3 और 1/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। 1/3 और 1/2 के बीच, ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो तीन परिमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिख दीजिए, इसको 1/3 और प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, इसको जोड़िए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। ठीक है, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ा जाएगा 3 × 2 = 5/6, गुणा करेंगे तो 5 × 1 = 5 और नीचे 2 × 6 = 12। ठीक है, तो 5/12 पहला मान निकल गया। अब 5/12 को लेकर अब हम क्या करेंगे, सभी को मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, अब 1/3 < 5/12 < 1/2। ठीक है, अब हम इन्हीं को मान को लेकर अगला मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे निकालते हैं। आगे है 1/3, ठीक है, और जो आंसर आया उसको ले लेते हैं, एक दूसरा जो आया 5/12 के बीच परिमेय संख्या निकाल लेते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, फिर 5/12 लिख सकते हैं या तो 1/3 और प्लस 5/12 ऐसे लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद आप सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 1/2 ऐसे ही रहेगा, जो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, 3 × 4 = 12 और 12 × 1 = 12, 5 ऊपर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद 1/2 ऐसे लिखिए, 5 × 4 =
9 और बटे 12, तो 3 चौके 3 त्रिक्का 9 और 3 चौके 12, ऊपर जुड़ जाएगा 3 एक का 3 आ जाएगा और 4 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 8, यानी दूसरा मान कितना निकलेगा 3/8। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है, अब हम 5/12 और 1/2 को लेकर मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए, अब 1/2 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आपको 1/2 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप 1/2 लिखिए और कोष्टक में 1/2 और प्लस 5/12, ठीक है। तो 1/2 लिखने के बाद इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए, आप निकालेंगे तो 12 आएगा, 2 छंग 12 यानी 5 ऊपर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 1/2 ऐसे लिखिए, गुड़ते 6 5 11/12, हाँ तो 11 1 11 और 12 2 24, 3 मान निकल गया। तो लिख दीजिए यहाँ पे 3/1/2, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो संख्याएं, तो पहला परिमेय, पहला क्या हो जाएगा 5/12, 3/8 और तीसरा हो जाएगा 11/24, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। पूरा सेम पहले जैसा है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसके बीच में निकाल लेते हैं, -2/5 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसके बीच में परिमेय संख्या यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 फिर -2/5 -1/5, ठीक है दोस्तों। इसको लिख दीजिए, 1/2 ऐसे ही रहेगा, नीचे कितना है 5, ऊपर -2 -1, जोड़ेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसका देखेंगे तो नीचे कितना, 2 1 3, -3/ क्या हो जाएगा 5, गुणा कर दीजिए तो 3 1 3 -3 और 5 2 10, तो -3/10 पहले का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब जो मान निकलेगा इसी को लेकर पहले के साथ हम मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब लिखिए -2/5 और -3/10 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम परिमेय संख्या निकालेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, और -2/5 और -3/10, इसको लेकर निकाल लीजिए तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और 10 1 10, 3 1 3 ऐसे ही रहेगा, 1/2 नीचे 10 ऐसे रहेगा, ऊपर 4 3 7 कर लीजिए। अब यहाँ गुणा करेंगे 7 1 7, तो -7 10 2 20, नीचे गुणा ऊपर गुणा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अंश अंश में हो जाएगा, हर का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, इतना निकल गया, अब हम बदल लेंगे -3/10 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या निकाल लीजिए, बीच परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1/2 इसमें भी लिखेंगे, 1/2 लिख लीजिए और उसके बाद -3/10 और -1/5, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, 1/2 ऐसे लिखिए, गुणते नीचे क्या हो जाएगा 10, तो -3 और 5, 5 2 10, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 1 2, तो 1/2 गुणते -5/, ठीक है, -5/10 आएगा, तो 5 1 5, 5 2 10, तो ऊपर -1/ कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 3 परिमेय संख्याएं निकली हैं, कितने परिमेय संख्याएं निकली, 3 परिमेय संख्याएं, तो लिखिए 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं,
तो पहला परिमेय संख्या है माइनस 30/3/10, दूसरा जो है -7/20, तीसरा है -1/4। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, 2 और 3 के बीच। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 2 और 3 के बीच, ठीक है दोस्तों, 2 और किसके बीच में निकालना है, 3, तो निकाल लीजिए। 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, कोश 2+3, ठीक है, तो 1/2 ऐसे लिखिए, उसको जोड़ लीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, तो 5 × 1 = 5, 5/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल लें इसको लेकर, इसका मान लेकर 5/2, और पहला मान हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है, 5/2 पहला मान 2 को लेकर हम इस मान को निकाल लेंगे, ठीक है, तो लिखिए 2 या 5/2 और 2 के बीच परिमेय संख्या, जो मान निकला करे उसी को दोनों के साथ लेकर निकाल लिया करिए परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, तो 1/2 लिखिए कोष्टक में। अब हम पहले क्या लिखेंगे, 5/2 प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 2, इसको जोड़ लीजिए, 1/2 ऐसे रहेगा, गुणते 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 9/2, तो 9 × 1 = 9 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2 × 2 = 4, ठीक है, ये मान निकल गया। अब इसका मान दूसरे के साथ ले लेंगे, 3 के साथ ले लेंगे, ठीक है, 5/2 इसके 2 के साथ लिए, अब 5/2 को 3 के साथ ले लीजिए, तो लिखिए 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या, ठीक है, तो अब 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 ऐसे लिखिए कोष्टक में, 5/2 और प्लस 3 लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद 1/2 करिए, गुणते 2 × 3 = 6 = 5 = 11/2, तो 11 × 1 = 11 और 2 × 2 = 4, 3 मान निकल गया, ठीक है, तो लिख दीजिए 3 परिमेय संख्याएं, तो 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, पहला निकला है 5/2 (9/4) = 11/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यदि कांडी के अंदर 2 1 परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2+ कांडी के अंदर 2 1 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। माना, पहले आप मान लीजिए, माना 2+√2 क्या है, 1 परिमेय, मान लीजिए पहले क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक, उसके बाद आप लिखिए, अब इसमें तब हम क्या कर देंगे, इसके दो पहले हम बगल में क्या मान लेंगे, यक्स, हम इसके बगल क्या, तब कड़ी का 2 = हम क्या मान लेते हैं, यक्स, जहाँ यक्स हमारा क्या होगा, यक्स, जहाँ यक्स परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों, यक्स क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब इन दोनों पक्षों का क्या कर देने पर, वर्ग करने पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इन दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2+√2 = x², ठीक है, अगर हम इसको वर्ग में तोड़ेंगे तो a² a + b के सूत्र में टूटेगा, ठीक है, तो a² करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, +b² यानी कर्णी के अंदर 2 का स्क्वायर, +2ab, तो 2a = 2 × b = कर्णी के अंदर 2 = x², ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, कर्णी के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से कर्णी खत्म हो जाती, बचेगा 2 और 2 × 4, कर्णी के अंदर 2 = क्या, x², ठीक है दोस्तों। अब इसको 2 × 4 = 2, 6 हो जाएगा, तो 6+4 = 2 =
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 को उस तरह भेज देंगे, तो 4 करड़ी के अंदर 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6। अगर हम यहाँ से करड़ी के अंदर 2 बराबर निकालें, अपरिमेय संख्या निकालें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है, एक कथन देनी है, कथन से स्पष्ट हो जाएगा कि अब क्या है। ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या लग रहा है, लेकिन ये क्या है जाएगा, परिमेय संख्या, ये पूरी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 बटे 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन कर्णी के अंदर 2 जो है, कर्णी के अंदर 2 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब हम आगे माना, अगर हम 2 प्लस 1 परिमेय संख्या है, अगर हम मान लीजिए, माना अभी हम कल्पना कर लें अपने से, तो यहाँ लिख लीजिए, माना हमारा 2 प्लस कर्णी के अंदर 2 क्या हो जाएगी, अगर एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर यह एक परिमेय संख्या है तो गलत है, क्या है ये, गलत है, और अतः 2 प्लस कर्णी के अंदर 2 परिमेय संख्या नहीं, अतः हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस कर्णी के अंदर 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आपको यही बताना था इसमें। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि 3 कर्णी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको सिद्ध करना है कि कर्णी के अंदर तीन एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना क्या कि 3 रूट में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, उसका 3 कर्णी के अंदर 3 बराबर हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। अगर यहाँ पर कर्णी का 3 निकालेंगे तो यक्ष बटा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। अब देखा ये पूरा परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, यक्ष अपान 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यक्ष अपान एक क्या है, परिमेय संख्या है, और विरोधाभास के कारण, अतः ठीक है, परिमेय संख्या है, कर्णी के अंदर 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, कर्णी के अंदर 3 एक क्या है, यह संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी के अंदर 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः लिख सकते हैं, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 3 कर्णी के अंदर 3 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यही आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले -1 तथा 1 के बीच हमें क्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्या, अभी आपको बताया कैसे निकला जाता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, 1/2, उसके बाद -1 लिख दीजिए, फिर +1 लिख दीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको, अब क्या करेंगे, 1/2 लिखने के बाद यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, 0 × 1/2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, हमारा क्या आंसर है इसका, आ जाएगा 0, -1 बटा -1 था 1 के बीच की परिमेय संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
अब हम जीरो को लेकर किसका साथ निकालेंगे, माइनस एक के साथ, ठीक है। तो जीरो और माइनस एक के बीच परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो जीरो और माइनस एक के बीच तो एक बटा दो लिखिए, फिर जीरो माइनस एक, एक बटा दो ऐसे ही रहेगा, गुणते माइनस एक, गुणा करेंगे तो माइनस एक बटा क्या आ जाएगा दोस्तों, दो आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला मान निकाल लेंगे, एक एक बटा किसको हम पहले जीरो आया था, जीरो को ले लेंगे, तो जीरो और एक के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। इसके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे, एक बटा दो जीरो प्लस एक, तो एक यहाँ आ जाएगा, एक बटा दो एक आएगा, एक का एक हम गुणा करेंगे बटा यहाँ जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। एक का एक बटा कितना आ जाएगा, दो। तो हमारे तीन परिमेय संख्या निकली, माइनस एक और एक के बीच परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसके बीच परिमेय संख्या पहला क्या निकला, जीरो, दूसरा माइनस एक बटा दो, और तीसरा क्या निकला, एक बटे दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी कामा ए माइनस बी और ए बी परिमेय संख्याएं हैं। यदि बी नॉट इज इक्वल टू जीरो तो सिद्ध कीजिए कि ए अपान बी भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, लिख लीजिए ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ए और बी दो क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तब मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ए प्लस बी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि क्रम विनिमय, अगर हम देखा जाए तो क्योंकि हमारा क्या होता है, एक क्रम विनिमय के कारण, क्योंकि क्रम विनिमय, ठीक है। तो क्रम विनिमय के कारण हमारा, क्रम विनिमय के नियम से अगर हम लगाएं, ठीक है, होगी क्यों, क्रम विनिमय के अगर नियम से हल करेंगे तो हमारा ए कामा बी इंटरसेक्शन, ठीक है, क्यू, ठीक है, इंटरसेक्शन क्यू इक्वल टू ए प्लस बी निकलेगा इंटरसेक्शन क्यू, ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अतः दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होगा। तो इन दोनों का योग अगर निकालें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, अब पुनः हम किसको हल करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ए माइनस बी भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर को हम क्रम विनिमय नियम से हल करें, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रम विनिमय नियम से हल करेंगे। तो क्रम विनिमय नियम जब हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए कामा बी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, और ए अपान हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे हमारा ए माइनस बी भी क्रम विनिमय नियम से क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ए बटा बी को निकालना होगा तो यानी ए इंटू बी को निकालना होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटा बी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, कामा बी नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए अपान बी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यही हमें बताना था। क्रम विनिमय के नियम से तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, बस आपको यही याद रखना है, आप सिद्धांत में सिर्फ इतना लिख देना, आपको हल भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इतना लिख देना है कि क्रम विनिमय के नियम से तीनों क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए एक धन बी परिमेय संख्या हो और एन एक धन पूर्णांक एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि ए घाते एन एक परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक है, माना ए बराबर पी अपान क्यू, ठीक है, ए बराबर आप क्या मान लीजिए, पी अपान क्यू। उसके बाद जहां क्या होगा, पी और क्यू हो जाएंगे क्या, जहां पी और क्यू
एक क्या होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक मान लो, दोनों धन पूर्णांक हैं, ठीक है, दोनों धन पूर्णांक हैं। आप तथा यहाँ पे जो है तथा हम क्यू क्यू को क्या लेंगे, नॉट जीरो बराबर, जीरो बराबर क्यू को नहीं लेना है। तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक एन संख्या मान लेते हैं, ठीक है, एन को हम लेते हैं इसे दो तीन चार डाट 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 ऐसे लेने पर, अपने से कुछ लेने पर ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम दो लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू, जो संख्या माने हैं, माना ए अपान पी अपान क्यू माने हो, तो जो माने हो इसको जगह हम क्या ले लें, दो ले लें, जहाँ ए घाते एन है, सवाल में बोला ना ए घाते एन एक परिमेय संख्या है, ए घाते एन जो है एक परिमेय संख्या है, तो ए का हम क्या मान लें, पी अपान क्यू, एन बराबर हम क्या लें, दो तीन चार लेने पर, जहाँ एन है वहाँ कितना रख देंगे, दो, और पूरे यहाँ पर क्या रख देंगे, दो रख देंगे, ठीक है, ए का मान तो पी अपान क्यू है ही है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम तीन रखेंगे तो एक घात तीन हो जाएगा है? और हो जाएगा ना, और यहाँ पे पी अपान क्यू पूरे घाते कितना हो जाएगा, तीन, ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। अगर हम चार रखें तो ये भी क्या हो जाएगा, पी अपान क्यू घाते चार, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए घाते एन बराबर पी अपान क्यू के घाते एन क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो ए घाते, इससे यह हमारा प्रतीत होता है कि जो ए घाते एन है क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा है वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इससे संबंधित मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।